हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? चलिए, अच्छा, जरा हम आपसे बात करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर दोबारा पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं। जरा समझो, इससे पहले मैंने मेरा टॉपिक जो चल रहा था वो था भारत में संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। मैंने बताया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट था कंपनी के शासन के अधीन 1773 से लेकर 1853 तक, जिसे मैंने आपको 1773 करा दिया था, बता दिया था, पढ़ा दिया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट करा दिया था, 1813 का चार्टर एक्ट करा दिया था, 1833 का चार्टर एक्ट करा दिया था, 1853 का चार्टर एक्ट करा दिया था। फिर मैंने बोला था सेकेंड पार्ट जो हमारा है इसका, वो है ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन भारत, इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जिसका पहला मैंने बताया लिखवाया था आप लोगों को कि पहला टॉपिक आएगा, पहला एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब जरा समझिए, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम किस घटना के उपरांत, किस घटना की वजह से पारित किया गया, तो जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेट 5 साल पहले का अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट 1853, तो अचानक ज़रूरत क्या पड़ गई लाने की? तो ध्यान दीजिए, आपको पता होगा 1857 में गदर एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन हुआ था भारत में, जिसको बोलते हैं 1857 का रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1857, या बोलते हैं कहीं कहीं मिलता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। वो तो एक टॉपिक है, वो इतिहास का टॉपिक है, वो स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं था, कितने लोग मानते कितने नहीं मानते हैं वो बात की बात है। बहरहाल, इस अधिनियम को पारित करने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि 1857 की क्रांति, इसी की वजह से ये लाया गया। और ध्यान रखिएगा, इस कानून में इससे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में अंग्रेजों का पूरा गुप्तचर, पूरी जो उनकी इंटेलिजेंस सिस्टम था पूरा फेल हो गया था। और इसको देखिए, 1857 के बाद ही हमारा अधिनियम लाया गया। अब बात आती है उस समय, जब यह अधिनियम लाया गया उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड डर्बी। के समय में, ये पहली बात ध्यान रखना, कोई भी एक्ट या कानून या अधिनियम बनने से पहले एक सिंपल बिल या विधेयक होता है। इन्होंने क्या किया, इस बिल को, इस विधेयक को, इस कानून को विधेयक के रूप में दोनों सदनों से पास कराया। आपको बता दूं, जिस तरह भारत में लोकसभा होती है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिस तरह भारत में दूसरा सदन है राज्यसभा, उसी तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ एक फॉर्मल चीफ जो होते हैं देश के, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह से फॉर्मल चीफ होता वहाँ का ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी ब्रिटेन में। तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास होने के बाद 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया, जो कि वहाँ क्वीन थी, वही फॉर्मल चीफ है, वहां की चीफ थी उस टाइम वहां की महारानी विक्टोरिया की अनुमति मिल गई, यस, उसके उनके साइन हो गए, उसके बाद ये कानून क्या बन गया, ये बन गया भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, किस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया? ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट बनता हमारा, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, समाप्त हुआ। और यही नहीं, इसी के साथ में कहा गया है अब शासन की, भारत के शासन की बागडोर, साथ साथ भारत के शासन की बागडोर आ गई अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश क्राउन कह लीजिए, महारानी विक्टोरिया कह लीजिए, ब्रिटिश क्राउन या महारानी के हाथों में आ गई। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और पूरी जिम्मेदारी यहाँ के रूल की थी, भारत के शासन की थी, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी के हाथों में आ गई।
अब बात होती है कि ब्रिटिश क्राउन तो रहेंगे लंदन में, ब्रिटेन में, तो वहाँ से रह के भारत के शासन को गवर्न करने के लिए इनको एक ऐसे एक सहयोगी की ज़रूरत होगी। ध्यान दीजिएगा, एक सहयोगी के रूप में उन्होंने क्या किया, एक पोस्ट बनवाई भारत सचिव। क्या बनवाई? भारत सचिव, या बोलते हैं इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट बनवाई, अपॉइंट किया, और साथ में उसकी एक काउंसिल बनवाया जिसकी जिसमें 15 मेंबर्स थे, 15 सदस्यीय परिषद या काउंसिल का गठन कराया। इस परिषद का नाम था भारत परिषद या इंडी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद या काउंसिल ऑफ इंडिया। ये दोनों थे कहां पे? लंदन में। क्या सचिव हो चाहिए हो? अब बात आती है सचिव बनने के लिए योग्यता क्या होती थी। ध्यान दीजिएगा, भारत सचिव वही हो सकता था, भारत सचिव वही हो सकता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हो, ब्रिटिश सांसद हो, और साथ में ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हो, जिसको कहते हैं ये मंत्री हो, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य या मंत्री हो, ये बात होगी। और ध्यान दीजिएगा, जो पहला पहले हमारे बनाए गए पहले भारत सचिव जो हमारे थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया, स्टैनली को बनाया गया अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस पद से पहले जो सर्वोच्च पोस्ट थी भारत में वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर इस अधिनियम के बाद जब इस ये पोस्ट भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट बन गई, ध्यान दीजिएगा जो भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो अभी तक भारत में सबसे सुप्रीम हुआ करते थे, डायरेक्ट जो उनकी जो जिम्मेदारी थी, उत्तरदायित्व था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबल होते थे, ये वो होते थे ब्रिटिश क्राउन के प्रति। अब इनको कर दिया गया आंसरेबल टू ब्रिटिश सॉरी भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्हें बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति आंसरेबल बना दिया गया। और यही नहीं, अब इनके दो रोल कर दिए गए। अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते थे, प्रशासक के रूप में काम करते थे, गवर्नर जनरल कहलाते थे। आज भी काम करेंगे उसी तरीके, ये तब भी गवर्नर जनरल कहलाएंगे, लेकिन इनका एक काम और बढ़ा दिया गया कि अब इनको ब्रिटिश क्राउन की एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारतीय राजाओं से, नवाबों से, जमींदारों से मुलाकात भी करनी है, उनसे डिबेट करना है, उनसे वार्तालाप करनी है। ऐसे हालात में जब इस जब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में भारतीयों से मुलाकात करेंगे तो वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? तब वो कहलाएंगे भारत के वायसराय कहलाएंगे। भारत का वायसराय के पोस्ट से या पद से भारतीयों से यूं कह लिए डिबेट करेंगे या वार्तालाप करेंगे, या जो भी उनकी मीटिंग होती है वो करेंगे, तो इस पद से करेंगे। दूसरी बात आती है, जो हमारे 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर जो ये थे, ये 15 मेंबर में एक कंडीशन थी, ध्यान दीजिएगा, जो 15 सचिव की परिषद या इनको भारत परिषद जिसे कह सकते हैं, भारत परिषद में जो 15 सदस्य हैं, इस 15 सदस्य में 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए, 9 सदस्य भारत में कम से कम 10 वर्षों तक, 10 इयर्स तक सेवा दी हो, सर्विस की हो या काम की हो, और इनको लंदन या ब्रिटेन वापस गए हुए 10 साल से ज्यादा समय स्पेंड ना हो, बीता ना हो। मींस भारत में 10 साल तक इन्होंने कंपनी के अधीन काम किया हो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, और जब यहाँ से भारत से वापस गए हों तो उनको वापस गए हुए 10 साल से ज़्यादा समय बीता ना हो। इसका मींस यूँ समझिए, ऐसे लोग 9 लोग होंगे 15 में से जो भारत के बारे में जानते हों, और जो भारत के बारे में उनका नॉलेज है वो भूले भी ना हो।
इनका मेन चीज कहने का मतलब ये है। अब बात आती है कि भारत के शासन को चलाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया है, सब बनाएगा फॉर्मेट पूरा कि भारत सचिव होगा जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होगा, सांसद होगा, 15 मेंबर्स होंगे जो 10 साल से वहाँ सेवा दिए हों भारत में, उनको वापस गया 10 साल से ज़्यादा समय बीता भी ना हो, ऐसी सिचुएशन में कहा गया जो इनका वेतन भत्ता खर्चा कहाँ से दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो भारत सचिव और परिषद के जो वेतन भत्ते होंगे सारे खर्च, वो जो इंडियन रेवेन्यू होगा, जो भारत से रेवेन्यू जनरेट होगा, यहां से दिए जाएंगे, यहां से विड्रॉ किए जाएंगे, ना कि लंदन के रेवेन्यू से। ये चीजें हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया आपका। अब बात आई कि इस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अब जरा इसमें देख लेते हैं, भारत सचिव मेन है, उसके अंडर में 15 मेंबर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो 15 मेंबर हैं, इसके काउंसिल मेंबर्स हैं, इस काउंसिल मेंबर्स को भारत सचिव के पास इनको हटाने का पावर नहीं, इनको रिमूव करने का, काउंसिल से हटाने का इनका पावर नहीं था, एक बात। दूसरी बात कि जब भारतीय ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की बात आएगी या इंडियन इकोनॉमी की बात आएगी, अर्थव्यवस्था की बात आएगी, तो जो भारत परिषद के 15 सदस्य हैं इनकी राय को मानने के लिए भारत सचिव को बाध्य किया गया था कि आपको इनकी राय माननी ही होगी इंडियन इकोनॉमी के बारे में एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के बारे में, जो भी ये सलाह दें, जो भी एडवाइस करें, वो मानने के लिए बॉन्ड थे और बाध्य थे, फोर्स थे भारत सचिव। और सबसे बड़ी बात यह कहा जाता है कि किस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को जो उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग साहब, इन्होंने इसको इलाहाबाद में अनाउंस किया था, इस अधिनियम की सेक्ट पर जो अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा किया था इन्होंने इलाहाबाद से किया था, और चूंकि महारानी विक्टोरिया के फरमान से, सिग्नेचर से, उनकी अनुमति से बना था, लिहाजा इस कानून को बोलते हैं महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद अनाउंसमेंट लेटर या इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक से। और एक बात और भी है कि भारत, क्वेश्चन पूछा आता है कि भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का पहला वायसराय बना। तो ध्यान दीजिएगा, ये कानून, ये अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, वही भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को पहला वायसराय भी बनाया गया। एक बार रफली देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, लिहाजा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोलता है ब्रिटिश क्राउन के दिन जारी किया गया पारित होने वाला पहला कानून, पहला अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दूसरा कहता है 1858 का भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस घटना के फलस्वरूप, किस घटना के बाद जारी किया गया, पारित किया गया, ध्यान किया 1857 का रिवोल्ट या रिवोल्ट ऑफ 1857, क्रांति। उस समय कहा जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जो ये अधिनियम को लेके आए, तो उस समय से ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड डर्बी। और जब ये दोनों सदनों से पास होने के बाद महारानी विक्टोरिया पर पहुंचता है यह अधिनियम, ये बिल विधेयक, तो उस पर 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया साइन कर देती हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब साइन करते हैं, तो बिल ना होगी कानून बन जाता है, वैसे ही जब इनकी विक्टोरिया के साइन हो गए तो फिर ये कानून बन गया भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या किया गया, सबसे पहला प्रावधान ये कहता, प्रोविजन ये कहता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और
दूसरा क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के बाद भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई, वो भी 1858 भारत शासन अधिनियम। फिर क्वेश्चन बनता है अगला, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर क्वेश्चन पूछता है कि लंदन में भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट किस स्थापना किस कानून के द्वारा की गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर कहता है भारत सचिव के लिए क्या जरूरी था, कौन क्या अनिवार्य था, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हो या ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हो, देसी भाषा में बोलें तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल या मंत्री हो। और भारत का पहला जो सचिव बनाया गया, भारत सचिव के पद पर बनाए गए पहले व्यक्ति थे लॉर्ड स्टैनली थे। और उसके बाद आइए जरा इस अधिनियम के बाद क्या किया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ी सुप्रीम पोस्ट थी भारत में, उसको भारत सचिव के प्रति आंसरेबल कर दिया गया, उत्तरदायी कर दिया, देसी भाषा में कहे तो उसके अधीन कर दिया गया। जो इससे पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था, अब वो किसको रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, भारत सचिव को। और दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, भारत का गवर्नर जनरल था जब वो, अब उसके बारे काम और भी कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव का भी जिम्मा दे दिया गया, प्रतिनिधि का भी जिम्मा दे दिया गया। अब वो जब प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा तो कहलाएगा भारत का वायसराय। और दूसरी बात, भारत परिषद में कुल मिलाकर 15 मेंबर थे, कंडीशन होती थी 15 में से 9 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो कंपनी के अधीन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, 10 साल का काम करने के भारत में अनुभव, भारत के बारे में जानते हो, जानकारी अच्छी खासी रखते हो। और उनको वापस गए भारत से लंदन या ब्रिटेन 10 साल से ज़्यादा गायब भी ना हुआ, मतलब मिला जुला कहानी इतनी सी है, भारत के बारे में ज्ञान हो, ज्ञान को भूले भी ना हो। भारत सचिव, अब बात आती है जो कि भारत सचिव उसकी परिषद का जो गठन किया गया हो, भारत के शासन को संचालित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया गया, तो बात आती है काम करेंगे भारत के शासन में तो इनको सैलरी वेतन कहाँ से मिलेगा। तो फिर कहा गया कि इनकी जो सैलरी वेतन जो खर्चे होंगे भारत परिषद और भारत सचिव के, वो जो इंडिया से रेवेन्यू आएगा, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा भारतीय कर से, भारतीय टैक्स से इनके वेतन भत्ते खर्चे सब दिए जाएंगे। अब बात आती है इस अधिनियम को इलाहाबाद महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद घोषणा पत्र या बोलते हैं अनाउंसमेंट लेटर ऑफ इलाहाबाद, अनाउंसमेंट लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को ही महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम को उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था इलाहाबाद से। आई होप कि आप लोग इस अधिनियम को अच्छे समझे होंगे, पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो एक बार दो बार, जितनी बार देखिएगा इसको देखिएगा, समझिएगा। क्लियरली मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इससे क्वेश्चन पूछा बहुत जाते हैं। और हाँ भाई, हम आप लोग बता दें, संविधान का टॉपिक है और हम अगर भारतीय हैं तो हमें अपने देश के संविधान के बारे में पता होना चाहिए, और चाहे वो हमारे छात्रों को तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लेकिन चूंकि हम देश के नागरिक हैं तो हमें अपने देश के संविधान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। लिहाजा मेरी इच्छा है आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट करें, घर वाले भी करें, पढ़ें, देखें हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भविष्य का इतना बढ़िया संविधान बना रखा। अभी तो मैं संविधान निर्माण पहुंचा नहीं, अभी तो मैं ब्रिटिश रूल के अंडर में चल रहा हूँ, देखिएगा। चलिए, अच्छा, उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। और आप सभी से मेरा एक निवेदन फिर वही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को करें, ताकि जितने वीडियोज़ हम, जो भी इंफॉर्मेशन वीडियोज़, जो भी एक्टिविटी हम शेयर करें यूट्यूब पे, आप सबको सबसे पहले मिले। और मेरा यही है, अगर आप थोड़ा सा फिर देखिएगा, मैं एक सिस्टम चल रहा हूँ, मैंने कोई बीच में टॉपिक छोड़ा नहीं है, ताकि अधिनियम एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, और मैंने उसको बहुत इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पढ़िएगा, मेरी अपनी भाषा है, किताबी भाषा मैं पढ़ाता नहीं हूँ। चलिए, आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।